हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कॉमन एरर्स पर आधारित क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिन्हें बैंक पीओ और क्लर्क की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन में आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकता है, बाकी में ग्रामेटिकल एरर्स हैं, हो सकता है सारे के सारे इनकरेक्ट हों। करना है आपको करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। यदि सारे के सेंटेंसेस यानी 4 के 4 सेंटेंसेस इनकरेक्ट हों तो आपका ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज होगा। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में सेंटेंस नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 में सेंटेंस नंबर ए आपका है, जॉन वानावेकर फाउंडर ऑफ द स्टोर्स दैट बियर हिज नेम वंस कन्फेस्ड आई लर्न्ड 30 ईयर्स अगो दैट इट इज फुलिश टू एस्कॉल्ट। गौर से देखें आप सेंटेंस को, तो आई लर्न्ड रिपोर्टिंग वर्ब, इंट्रोडक्टरी वर्ब पास्ट है आपका, 30 ईयर्स अगो That it is foolish to scold, इन्होंने ऐसा सीखा कि scold करना वास्तव में मूर्खता का काम है। चूंकि आपका इंट्रोडक्टरी वर्ब लर्न पास्ट है तो फिर ये ईज का यूज का टेंस प्रेजेंट नहीं बल्कि कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में सिंपल पास्ट यानी वॉज हो जाना चाहिए था। तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इच की जगह पर यहां वाज होना चाहिए था, बिकॉज इट इज नॉट अ यूनिवर्सल फैक्ट। क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर बी को देखते हैं, तो वेदर रिच और पुअर, अमेरिकन और इंडियन, वी ऑल हैव द सेम इमोशंस डीप गहरा इनसाइड, सो कर रहा है। सो हियर द प्रीपोजिशन विद इज नॉट करेक्ट, द करेक्ट प्रीपोजिशन विल बी इन। Whether rich or poor, American or Indian, we all have the same emotions deep in us. So this is not the right answer. It is grammatically incorrect. Number C देखते हैं, sentence number C. This research indicate, आपका subject research third person singular noun है, उसके साथ क्रिया main verb one नहीं होनी चाहिए, indicate S वाली क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपका रिसर्च थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, इंडिकेट्स करेक्ट वर्ब होना चाहिए था। नंबर डी को देखते हैं, एवरी मॉडर्न सोसाइटी डिपेंड, सब्जेक्ट आपका सोसाइटी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो डिपेंड्स मेन नंबर 5 क्रिया करेक्ट है। ऑन डिपेंडेंस ऑलवेज ऑन लेता है, ऑन द ट्रस्ट कहाँ, तो इन द स्किल्स एंड इथिक्स ऑफ ए वेराइटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कैसे, सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेज, हॉस्पिटल्स एंड मार्केट्स। दिस सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी ग्रामेटिकल एरर, सो मार्क इट एज योर करेक्ट आंसर। सॉरी, नन ऑफ दीज कैनॉट बी द आंसर बिकॉज वन ऑफ द 4 सेंटेंसेज इज करेक्ट एंड द करेक्ट वन इज सेंटेंस नंबर डी। नाउ लेट अस एग्जामिन the 4 sentences given in question number 2. Number A, many of us, subject आपका many of us plural है, so आपकी क्रिया have बिल्कुल correct है। many of us have learned not to make a public display of our emotions, particularly when they are negative. There is no grammatical error in this sentence, so mark it as your correct answer. नंबर ए इज द करेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट आंसर। लेट अस एग्जामिन अदर सेंटेंसेस वेयर द एरर लाइज। दो इंडियंस हैव बीन इंक्रीजिंगली टेकिंग अप, एक तो आपका इंक्रीजिंगली मिड पोजिशन एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है, और जब भी सेंटेंस में बी बीइंग या बीन हो मिड पोजिशन एडवर्ब ठीक उसके पहले होगा, अर्थात इंक्रीजिंगली की जगह बिन के पहले होनी चाहिए थी, एन एरर है।
टेकिंग अप कॉर्नर ऑफिसेज, यहाँ इंडियंस प्लूरल है तो फिर ऑफिसेज यहाँ होना चाहिए था ऑफिस की जगह पर। इन द इंटरनेशनल कंपनीज राहुल इज द फर्स्ट इंडियन टू लीड वन ऑफ द टॉप फोर काउंटिंग फर्म्स एज यू हैव हियर ग्लोबली। नंबर सी, डेमोक्रेसी वॉज सस्पेंडेड नॉट बिकॉज इट केम, सी द कंटेक्स्ट इज पास्ट, नॉट बिकॉज इट केम अंडर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बट बिकॉज इट हैज, यहां देखिए आपका ये एरर आ रहा है, होना चाहिए था इट बिकेम इन प्लेस ऑफ इट हैज बिकम, एन ऑब्स्टेकल टू पॉलिटिकल एम्बिशन स्टार्टेड आउट एज द नेशन सॉल्यूशन। नंबर डी, अ वर्चुअल टेक ओवर ऑफ ए बैंकक्रप्ट सिविल सोसाइटी बाय अ कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स होम कॉर्नर, होम इज द ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन, वेयर एज दिस वर्ब cornered has come for the antecedent individuals, so here whom ke jagah par who hona chahiye tha, so all the three sentences from B to D are incorrect, so none of these three can be the right answer. The right answer is number A. Many of us have learned not to make a public display of our emotions, particularly when they are negative. तो आइए अब देखते हैं question number 3 के 4 sentences को. Number A, India has decided to. यहाँ एक error है, जब भी verb से what का answer मिले verb के बाद, decided के बाद do से क्या करने का, तो वो इन्फिनिटिव होता है, अर्थात यहाँ डू के जगह पर टू डू होना चाहिए था। इंडिया हैज डिसाइडेड टू डू अवे विद द प्रैक्टिस ऑफ पुट, द वर्ब पुट हैज कम आफ्टर द प्रीपोजिशन ऑफ, प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आए तो उसे जीरंड होना चाहिए, यानी एक एरर यहाँ भी है, पुट के जगह पर पुटिंग होना चाहिए था, यानी दिस सेंटेंस कंटेन्स टू ग्रामेटिकल एरर्स, सो दिस इज नॉट करेक्ट, वी कैन नॉट सेलेक्ट इट एज आर करेक्ट आंसर। नंबर बी, एसपी सुमित सिंह अलोंग विद देवेश पांडे एंड डीएसपी हसन हेडेड सेपरेट टर्म्स दैट इंक्लूड कॉप्स फ्रॉम 6 पुलिस स्टेशंस। नो सी, ये ऑफिसर्स सेपरेट टर्म्स हेड नहीं कर रहे हैं, सेपरेट टीम्स, यानी टर्म्स, द नाउन टर्म्स इज नॉट करेक्ट हियर, इसके जगह पर टीम होना चाहिए था, क्योंकि सेपरेट थ्री पर्सन्स हैं, थ्री ऑफिसर्स हैं, तो टीम्स बहुवचन होना चाहिए था, सेपरेट टीम्स दैट इंक्लूड कॉप्स फ्रॉम 6 पुलिस स्टेशंस एंड इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्राइम शेल। दिस सेंटेंस ऑल्सो कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, टर्म्स के जगह पर टीम्स होना चाहिए था, सो सॉरी दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। आर एमिशन स्टैंडर्ड्स, सब्जेक्ट स्टैंडर्ड्स प्लूरल, सो आर करेक्ट एग्रीमेंट में है, आर एमिशन स्टैंडर्ड्स आर 1/10 किसका, 1/10 ऑफ ग्लोबल एवरेजेस एंड फार मोर स्ट्रिंजेंट then even Europe, each word is grammatically correct, so this is the correct answer, mark it as your correct answer. Number C, number D, the university has received 500 applicants, applicants receive nahi karenge, applications receive karenge, to yahan ek error hai, applicants ke jagah applications hona chahiye tha, फॉर द कोर्स आउट ऑफ देम, एक प्रॉब्लम यहां भी है, आउट ऑफ देम नहीं, उनमें से, यानी एक रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच 50 विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोग्राम, सो दिस सेंटेंस ऑल्सो कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर्स, नॉट एरर, हेंस दिस कैनॉट बी द आंसर, द राइट आंसर इज नंबर सी, our emission standards are 1/10 of global averages and far more stringent than even Europe. इस तरह से आपको चाहे सेंटेंस के सेगमेंट में एरर चुनना हो या
ए सीरीज ऑफ सेंटेंसेस में से करेक्ट सेंटेंस चुनना हो, बिल्कुल आसान है। दिए गए सेंटेंस के हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें, ग्रामेटिकल कंसेप्ट को वहां जांचें और तब पकड़ें किस में गलती है किस में गलती नहीं है। बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।